एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 21 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस के जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, और एंड में हम एक केस लॉ भी देखेंगे। देखो, एडमिशन के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अपने पहले लेक्चर में हमने एडमिशन के जनरल कंसेप्ट को देखा, हमने सेक्शन 17 को डिटेल में समझा, उसके बाद हमने सेक्शन 21 को अच्छे से समझा और हमने ये जाना कि सेक्शन 21 बेसिकली ये कहता है कि एडमिशन्स जो हैं वो रेलेवेंट होते हैं और इन एडमिशन्स को हम एविडेंस के तौर पे एडमिशिबल मानेंगे। कब? जब ये एडमिशन्स मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे। यानी सेक्शन 21 में जो जनरल रूल है वो ये है कि एडमिशन्स आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। आगे कहता है कि एडमिशन्स cannot be proved by or on behalf of person who makes it or representative in interest। यानी हमने सेक्शन 17 में ये समझा कि जो एडमिशन्स हैं वो क्या है, स्टेटमेंट हैं, और ये जो स्टेटमेंट हैं वो ओरल, रिटन, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमें एक इन्फरेंस की ओर ले जाते हैं, यानी एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। और आगे हमने ये जाना कि सेक्शन 18, 19, 20 सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है, वहीं सेक्शन 18, 19, 20 में ये बताया गया है कि इन इन पर्सन्स का स्टेटमेंट एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट माना जाएगा, एडमिशिबल माना जाएगा बिफोर द कोर्ट। तो स्टेटमेंट को हम तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग और नो कंक्लूजन। ऐसे स्टेटमेंट्स जो सेल्फ सर्विंग हैं वो एडमिशन के तौर पे एडमिसिबल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट जो मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो सेल्फ हार्मिंग हो, वो एडमिसिबल होते हैं एडमिशन के तौर पे इन द कोर्ट, राइट। तो ये क्या है, जनरल रूल है सेक्शन 21 का। यानी एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट मेकर ऑफ इट एंड इट कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट। सेक्शन 21 में ही कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां जो स्टेटमेंट हैं अगर वो सेल्फ सर्विंग हैं तो भी एडमिशिबल होंगे एडमिशन के तौर पे बिफोर द कोर्ट। यानी मेकर ऑफ स्टेटमेंट अगर कोई स्टेटमेंट देता है जो उसके बिहाफ में होता है तो भी वो एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट होगा। इन इन कंडीशंस में कुल तीन कंडीशंस या कुल तीन एक्सेप्शंस दिए गए हैं सेक्शन 21 के जनरल रूल के। तीन एक्सेप्शंस सेक्शन 21 में ही दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो सेक्शन 21 कहता है एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज एन एविडेंस
अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. राइट. लेकिन देर आर थ्री एक्सेप्शंस जहां एडमिशन आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज एन एविडेंस बाय पर्सन मेकिंग इट या ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट. तो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर. जब जो स्टेटमेंट है यानी जो एडमिशन है उसका नेचर कुछ इस प्रकार से है कि पर्सन मेकिंग इट, वो पर्सन जो एडमिशन कर रहा है वर डेड, यदि वो मर जाता है. यानी एक पर्सन जो कोई स्टेटमेंट देता है उसका स्टेटमेंट इस नेचर का है कि जब उसने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देने के बाद ही डाइज, वो मर जाता है. तो अगर स्टेटमेंट देने के बाद वो मर जाता है तो उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा, एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट होगा बिटवीन थर्ड पार्टीज, भले ही वो स्टेटमेंट उसके बिहाफ में, भले ही वो स्टेटमेंट उसने अपने बिहाफ में बोला हो. ठीक है. जैसे इलस्ट्रेशन है आपके बेरक में, ए द कैप्टन ऑफ अ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे. देखो, ए एक शिप का कैप्टन है जिसपे ये आरोप लगता है कि उसने अपने शिप को, जो पहले से डिसाइडेड रूट था, उस रूट के तहत नहीं ले गया. ही फॉलोड डिफरेंट पाथ. राइट. एविडेंस इज गिवन टू शो दैट शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स. और एविडेंसेस पेश किए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि जो शिप था उसे उसके प्रॉपर कोर्स से बाहर ले जाया गया था. यानी जो पहले से डिटरमाइंड रूट था उस रूट से उस शिप को नहीं ले जाया गया था कैप्टन के द्वारा. अब देखो आगे कहता है कि कैप्टन मतलब मिस्टर ए प्रोड्यूसेस अ बुक. वो एक बुक प्रोड्यूस करता है, केप्ट बाय हिम, जिसे वो अपने पास रखता था इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस. यानी वो उस बुक को अपने साथ हमेशा रखता था. दिस बुक में उसने डे टू डे क्या किया, किस रूट से शिप को ले जाया गया, उसने किस रूट से शिप को लेकर के गया दिन भर, उन रूट्स को वो अपने बुक में नोटिस करता था, नोट डाउन करता था. और उस बुक में ये इंडिकेट करता था कि इन इन रूट्स को उसने फॉलो किया है. तो ए जो है यानी कैप्टन ऑफ शिप में प्रूव दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकता है बिकॉज दे वुड बी एडमिशिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ ही वर डेड अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2. तो देखो, कैप्टन ऑफ शिप यानी मिस्टर ए का ये जो बुक है
जिसमें वो डेली रूटीन को मेंशन करते थे, इंडिकेट करते थे कि इन रूट्स को फॉलो करते हुए, इन पाथ को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने शिप को लिया, राइट। तो अगर मिस्टर ए डेड कर जाते हैं तो भले ही उसने उस बुक में ये मेंशन किया हो कि इन इन रूट्स को उसने फॉलो किया था, इन इन रूट्स के थ्रू उसने शिप को पास किया था, अगर मिस्टर ए मर जाते हैं तो ये जो बुक होगा वो एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2, राइट। सेक्शन 32 बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, राइट। तो ये चीज है, सेक्शन 32 को हम आगे समझेंगे, जो कहता है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, उन पर्सन्स का स्टेटमेंट जिन्हें हम विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते हैं, हु इज डेड, हु कैनॉट बी फाउंड, तो उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट माना गया है सेक्शन 32 में, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, आपके मेरिट में है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कलकत्ता। ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने क्राइम कमिट किया है कलकत्ता में। अब ए एक लेटर प्रोड्यूस करता है रिटन बाय हिमसेल्फ, जो उसने लिखा रहता है, और उस लेटर पे डेट रहता है एट लाहौर ऑन दैट डे, कि उस लेटर पे डेट मेंशन होता है कि उस दिन वो लाहौर में था, और उस लेटर पे लाहौर का पोस्ट मार्क भी रहता है। द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ लेटर इज एडमिशिबल बिकॉज इफ ए वर डेड इट वुड बी एडमिशिबल अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। तो अगर ए मर जाता है, ठीक है, तो उसका ये जो लेटर है कि जिस दिन उसके ऊपर ये आरोप लगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे उसने ये क्राइम कमिट किया, कहाँ, कलकत्ता में। अब ए अगर मर जाता है तो ये जो लेटर है जिस पे वो डेट मेंशन है, उस दिन का डेट मेंशन है, लाहौर का पोस्ट मार्क है, तो ये क्या होगा, एडमिशिबल होगा एज एन एडमिशन, राइट। ये चीज है। तो देखो, पहला क्या है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलेवेंट बिटवीन थर्ड पार्टीज, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है। तो एन एडमिशन, दूसरा एक्सेप्शन है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ, यानी जो एडमिशन है, व्हेन एडमिशन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, किसी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करता हो, स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बात करता हो, या टाइम के बारे में बात करता हो जब वो स्टेट ऑफ माइंड या वो बॉडी एग्जिस्ट करता हो, अलोंग विथ कंडक्ट, कंडक्ट के साथ जो इसके, यानी इस एडमिशन के फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल बना देता हो। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और
ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट. व्हेन एडमिशन कंसिस्ट ऑफ, जब एडमिशन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, पहला एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, या टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड अलोंग विद कंडक्ट, कंडक्ट के साथ साथ, जो उस एडमिशन के फॉल्सहुड को हाईली इम्प्रोबेबल बनाता हो, तो वो क्या होगा, एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट होगा. अब जैसे मान लो इलस्ट्रेशन आपके बुक में कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन. ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने चोरी के माल को रिसीव किया और उन्हें ये जानते हुए कि वो चोरी का माल है उसे रिसीव किया, तो ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने ये जानते हुए कि ये जो माल है, ये जो गुड्स हैं, वो स्टोलन गुड्स हैं, ये जानते हुए भी उन गुड्स को उसने रिसीव किया. अब देखो, ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज्ड टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू. अब ए ये कहता है कि देखो, ये स्टोलन गुड्स हैं, मैंने इन गुड्स को इनके ओरिजिनल प्राइस से कम में नहीं बेचा. अब जनरली होता क्या है, एक पर्सन अगर स्टोलन गुड्स कहीं से लाता है तो वो ये कोशिश करता है कि इसे इसके मार्केट प्राइस से कम में बेच दिया जाए, झंझट खत्म हो. अब दूसरा पर्सन, ये जो पर्सन स्टोलन गुड्स को खरीदेगा वो उसके मार्केट वैल्यू में खरीदेगा नहीं, मार्केट वैल्यू से कम ही में खरीदेगा, ठीक है. तो ए ये कहता है, क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप है कि तुमने स्टोलन गुड्स को रिसीव किया है ये जानते हुए कि ये जो गुड्स हैं वो स्टोलन गुड्स हैं, तो ए ये कहता है कि देखो, इन गुड्स को मैंने इनके ओरिजिनल प्राइस से कम में नहीं बेचा है, राइट. तो ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट्स, तो ए जो है इन स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकता है, दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट एंड इशू. तो ए कह सकता है कि देखो, इन गुड्स को मैंने इनके ओरिजिनल प्राइस से कम में नहीं बेचा, यानी ये मेरे कंडक्ट को शो कर रहा है कि ये जो गुड्स हैं वो स्टोलन गुड्स नहीं हैं, क्योंकि अगर ये गुड्स स्टोलन गुड्स होते हैं तो मैं इनके ओरिजिनल प्राइस से बिलो बेच देता, राइट. तो ये जो एडमिशन है ए का, ये जो कंडक्ट है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट माना जाएगा, राइट. समझ में आया. तो दूसरा कहता है, एडमिशन में बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड अलोंग विद कंडक्ट, कंडक्ट के साथ साथ, रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल. ठीक है, इलस्ट्रेशन हमने देख लिया. तीसरा कहता है, इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन. तीसरा एक्सेप्शन ये कहता है, इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन, यानी यहाँ पे बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्क जस्टी, यानी सेक्शन 6 के बारे में बात किया जा रहा है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. तो अगर कोई फैक्ट सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, कोई स्टेटमेंट सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो भले ही वो मेकर के बिहाफ में हो, सेल्फ सर्विंग हो, वो एडमिशिबल होगा एज एन एडमिशन. अब जैसे मान लो पर्सन वॉकिंग ऑन अ रोड, राइट, वो अचानक से चिल्लाता है और मुंह केबल गिर जाता है,
दूसरा पुरुष उसे देखता है और तुरंत उसके पास जाता है, उसकी हेल्प करता है और उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो वो कहता है कि एक कार ने अभी मुझे ठोकर मार के भाग गया। तो उसका ये स्टेटमेंट देना क्या है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो ये एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, अब एक केस है आपका, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट। देखो ये आपके बैरक में है, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का यानी सेक्शन 21 का जो वेस्टेड प्रिंसिपल है, जो निहित सिद्धांत है, वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस, एक पर्सन का स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पे यूज में लाया जाएगा ओनली बाय एडवर्स पार्टी, केवल एडवर्स पार्टी के ही द्वारा, और वो अपने इस स्टेटमेंट को अपने फेवर में एविडेंस के तौर पे नहीं ला सकता है। कब ला सकता है, जब उसका स्टेटमेंट इन तीन एक्सेप्शंस के अंडर फॉल करेंगी तब। जैसे हमने ये देखा था कि द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फॉर्ज्ड। ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, ए कहता है कि ये जेन्युइन है, बी कहता है इट इज फॉर्ज्ड। तो यहाँ पे ए कैनॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ कि जो डीड है वो क्या है, जेन्युइन है। ए खुद से ये अफर्म नहीं कर सकता है कि जो डीड है वो जेन्युइन है, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और बी खुद से अफर्म नहीं कर सकता है कि जो डीड है वो क्या है, फॉर्ज्ड है। तो जुगल किशोर वर्सेस स्टेट के केस में ये कहा गया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का यानी सेक्शन 21 का जो वेस्टेड प्रिंसिपल है वो ये है कि एक पर्सन अपने स्टेटमेंट को अपने बिहाफ में एविडेंस के तौर पे नहीं पेश कर सकता है, उसका स्टेटमेंट ऑपोजिट पार्टी एज एन एविडेंस शो कर सकता है, लेकिन एक पर्सन अपने स्टेटमेंट को अपने फेवर में एविडेंस के तौर पे तब पेश कर सकता है जब उसका स्टेटमेंट इन तीन एक्सेप्शंस में फॉल करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सेक्शन 21। देखो बारिश आ रहा है और ये दशा है पूरा कॉपी का, इसलिए आज मैंने आपको नोट कम कराया और एक्सप्लेन ज़्यादा किया। अगर मेरे वीडियोस आपको किसी मैनर में, ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।